एप्लीकेशन है, इसको जो है आप अप्लाई भी कर सकते हैं दर्दों के लिए। जंत जो है बेहतरीन जो है मुखाविया आसाब अंदरूनी भी है बैरूनी भी है और तखलीत भी पहुंचाता है आपके मसल्स के अंदर। आप इसको रोहने बाबुना में हल करके जंत को 1 ग्राम 15 ml बाबुना में हल करके इसका उसको जो है रोगन बना के आप उसको लीप करते जाइए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो जगह में जो भी दर्द है आपको कम होती जाएगा इंशाल्लाह। ये आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिहाज से। इसको और एक इस्तेमाल है इसका जुंद का, आपको कान के दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी जो रोहने बाबुना में हल करके 2 खतरे एक कान और दूसरे कान में टपकाएं, बस 2 खतरे पफके के साथ 3 से 4 मरतबा दिन में आप टपकाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको इमीडिएट आपका कान का दर्द, क्योंकि ये मुहल्लिक भी है, इसके लिहाज से मुखब्बी भी है। और इस और इसका जो है एक फंक्शन ये है कि इस ये जो है मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, तो इसको वरम को तहलील भी करता है अंदर से। तो इस एक्शन के लिहाज से आपको जो है पेन किलर का भी काम करेगा। तो आप ये इतने इस्तेमाल आप जो है बस 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में, आपको जब मैं बोलूंगा कि आप जब तक इसमें परफेक्ट नहीं हुए, आपको समझो कि कम अज कम 5 नुस्खे में आपको इसके अंदर 5 नुस्खे जाग भी, अगर माँ बैठ जाओ माँ आप आखिरी में मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा, आप हर एक चार्ट का फोटो निकाल सकते हैं, लेकिन सुनने के बाद जरूरी है कि आप लोग सुने, क्योंकि ये बाद में फिर आप सुन नहीं पा सकते हैं इसको। तो नुस्खे जाग के लिहाज से आप मैं जो आपको जो 7 या 8 भी नुस्खे बताया हूं उसको आप जो रोजाना 1 नुस्खा प्रैक्टिस कीजिए, 1 नुस्खा या 1 हफ्ते में 1 नुस्खा। आप जो मतलब तलबा है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मौका नहीं मिलेगा कि हफ्ते में 1 नुस्खा प्रैक्टिस करने के लिए, वो कोई बात नहीं, 1 नुस्खा उनके रिश्तेदारों को ही सही, 1 नुस्खा प्रैक्टिस करना है 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, या टारगेट रख लीजिए आप क्या कोई क्लोज। देखिए बीमारी ऐसी चीज है कोई एक हाथ उठा के नहीं बता सकता आज मुझे कि किसके भी घर में कोई भी एक पूरी फैमिली में कोई भी बीमार नहीं, कोई बताओ मुझे, कोई बताओ आज।